हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। आपको पता ही है कि 2018 तक झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे, जिसके बेसिस पे आपको BIT सिंदरी में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, आपको BIT सिंदरी में भी एडमिशन लेना हो तो JEE मेन के परसेंटाइल के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलता है। 2019 से ये प्रोसेस स्टार्ट है। तो आपको बता दें कि झारखंड के स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो JEE मेन के परसेंटाइल के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। आप झारखंड कंबाइंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाके अपना स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना फीस है, काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस है, आपको सब अपडेट्स मेरा इस चैनल पे मिलता रहेगा। हर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। देखिए, ये रहा प्रेस कम्यून जो कि JEE बोर्ड जारी किया है झारखंड के स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का डेट 30/9/2020 से 8/10/2020 तक है, और प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आपको 12/10/2020 को मिल जाएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JEE का देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, उस पर जाना है और उसके बाद आपको क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2020 में आपको क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको झारखंड का लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप ब्लॉक में जाके बना सकते हैं, या यदि उसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है तो भी आप ब्लॉक में जाके उसको दोबारा बना सकते हैं। बाकी JEE मेन 2020 का एडमिट कार्ड और कॉन्फ़िगरेशन पेज आपको मिला होगा, वो आपको रेडी रखना है।